अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज बतूल। वेलकम बैक इन बतूस किचन। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई एम बैक विद एन अदर अमेजिंग रेसिपी ऑफ बकरीद। तो आज बतूस किचन में रेडी होगा बकरीद स्पेशल में कढ़ाई कोफ्ते। बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को कढ़ाई कोफ्ते की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और कढ़ाई कोफ्ते बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बीफ का कीमा। बीफ मिस लेंगे 500 ग्राम या आधा किलो। फ्राइड प्याज, फ्राइड अनियन मैंने ली हुई, तली हुई प्याज 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर काली का पेस्ट लेंगे 1.5 टेबल स्पून। फ्रेश कोरिएंडर और मिंट, पुदीना और हरा धनिया लेंगे 1/2 कप, दोनों इक्वल क्वांटिटी में। चॉप्ड हरी मिर्च, चॉप ग्रीन चिलीज लेंगे 2 से 3 अदद। खसखस पाउडर, पॉपी सीड्स लेंगे 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइसेस पाउडर लेंगे 1 टी स्पून। सॉल्ट, नमक लेंगे 1 टी स्पून। चने का पाउडर लेंगे 2 टेबल स्पून। पिसी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। दही योगर्ट लेंगे 2 टेबल स्पून। और ये चॉप प्याज लिए मैंने, छोटी प्याज ली थी स्मॉल साइज की, उसको चॉप कर लिया है। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये चॉपर लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ छोटी प्याज, चॉप की हुई प्याज मैं डाल रही हूँ। एक स्मॉल साइज की मैंने प्याज ली थी, इसे चॉप कर लिया। चॉप्ड हरी मिर्च, चॉप ग्रीन चिलीज मैं इसमें ऐड करूंगी, 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी उसको चॉप कर लिया। फ्रेश कोरिएंडर और मिंट इसमें ऐड कर रही हूँ। हरा धनिया, पुदीना 1/2 कप, दोनों मैंने इक्वल क्वांटिटी में लिए, यानी 1/4 कप और 1/4 कप। प्याज, फ्राइड अनियन मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून। खसखस पाउडर, पॉपी सीड्स मैं इसमें ऐड करी 2 टेबल स्पून। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे चने का पाउडर, होल ब्लैक ग्राम पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून। नमक, सॉल्ट इसमें शामिल करेंगे 1 टी स्पून। पिसी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 टी स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर काली का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। चाट मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून, ये ऑप्शनल है, मैं 2 टेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। दही योगर्ट इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून। अब अच्छी तरीके से आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स, तमाम स्पाइसेस को पहले चॉप करना है। बहुत अच्छी तरीके से चॉप करेंगे, तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको चॉप करूंगी। देखें जी सन, अब इसमें ऐड करेंगे बीफ कीमा। बीफ मिस 500 ग्राम या फिर आप आधा किलो ले लीजिए, सारा ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। चलें जी इसको चॉप करते हैं। कीमा ऐड करने के बाद मैं 2 मिनट तक इसको फाइनली चॉप करूंगी। चलें जी इट्स डन, अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना फाइनली कीमा चॉप्ड हुआ है। चलें जी हम इसे के कोफ्ते रेडी कर लेते हैं। पानी से आपने हाथों को वेट कर लेना है ताकि कोफ्ते आसानी के साथ रेडी हो। और देखिए जी इस तरीके से आपने गोल गोल कोफ्ते रेडी करने। इसी तरीके से मैं सारे रेडी करती जाऊंगी। चलिए जी सारी कोफ्ती रेडी हो गए। अब मैं आपको ग्रेवी, जो कढ़ाई का हमारा मसाला होगा, उसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे लिए टमाटर, चॉप टमाटोस मैंने यहाँ पे लिए 5 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उसको चॉप कर लिया। हरी मिर्चें, ग्रीन चिलीज लेंगे 5 से 6 अदद। 1 अदद लेमन लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे 2 टेबल स्पून। दही योगर्ट लेंगे 2 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर, ऑल स्पाइसेस पाउडर लेंगे 1 टी स्पून। धनिया क्रश करना लेंगे 2 टी स्पून। कुटी काली मिर्च, क्रश ब्लैक पेपर लेंगे 1 टी स्पून। क्रश रेड चिलीज, कुटी लाल मिर्च लेंगे 2 टी स्पून। और सॉल्ट, नमक लेंगे 1 टी स्पून। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। 1 कप में ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल को गर्म होने देंगे, इसके बाद ऐड करेंगे इसमें नेक्स्ट अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब इसको फ्राई करेंगे कुछ 1 मिनट तक, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इट्स डन। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं चॉप टमाटर, चॉप्ड हुए हुए टमाटोस। 5 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, उसको मैंने चॉप कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद जो है आपने टमाटरों को जो है सॉफ्ट करना है और मैश भी करते रहना है साथ साथ में। हम इसको भूनेंगे मसाले को, तो उसमें साथ साथ ये सॉफ्ट भी होंगे और इसको टमाटरों को मैश भी करना है आपने। चलिए जी अब ये हो गए, अब इसको कवर करेंगे और कुक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाते हैं। इज डन, ये देख सकते हैं आप, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गया। अब ये इजली मैश्ड हो जाएंगे। अच्छी तरीके से इसको मैश करेंगे और हम भूनेंगे, इसको भूनते जाएंगे, मैश करते जाएंगे। स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्रश रेड चिलीज, कुटी लाल मिर्च 2 टीस्पून। सॉल्ट, नमक ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून। सूखी मेथी इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून।
खड़ा मसाला पाउडर ऑल स्पाइसेस पाउडर इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तमाम स्पाइसेस को। आपने इसको भूनना है, मिक्स करना है अच्छी तरीके से। स्पाइसेस ऐड करने के बाद आप मसाले का जो कलर है वो देख सकते हैं काफ़ी चेंज हो गया है। दही योगर्ट लेंगे 2 टेबल स्पून। कुछ 1 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस एट लास्ट। 2 टेबल स्पून लेमन जूस ले लीजिए या फिर आप 1 बड़ा लेमन ले लेंगे, उसका जूस निकाल के ऐड कर देंगे। कुटी काली मिर्च क्रश ब्लैक पेपर लेंगी 1 टीस्पून। फिर से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जी अभी मिक्स भी हो गया। अब मैं इसमें कोफ्ते डाल रही हूँ, जितने भी हमने कोफ्ते रेडी किए हैं मीट बॉल्स वो डालेंगे। अच्छा ये डल गए हैं, मैं इसे मिक्स नहीं करूँगी। करना आपने कढ़ाई को उठा के ज़रा सा जो है आपने हिला देना है तो वो ऊपर मसाला जो है इसके ऊपर लग जाएगा। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ, इसे कुक करेंगे 7 से 10 मिनट के लिए। चलिए मिलते हैं 10 मिनट बाद, मैं आपको दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त है इसका कलर आ गया है। अब आप इसे मिक्स कर सकते हैं हल्के हल्के हाथों से क्योंकि कोफ्ते हमारे रेडी हैं बिल्कुल। अब मैं एक ग्लास इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें ग्रीन चिलीज फॉर कलर 5 से 6 अदद ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको फिर से कवर कर रही हूँ 2 मिनट के लिए ताकि जो हरी मिर्चें वो भी सॉफ्ट हो जाए। मिलते हैं 2 मिनट बाद। ये देखें जी कोफ्ते हमारे परफेक्ट रेडी हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा गार्निश करूँगी मैं अदरक। चलिए जब इसे डिश आउट कर लेते हैं। कढ़ाई में मैं इसको सर्व करूँगी, आप किसी भी चीज़ में सर्व कर सकते हैं। देखिए जी कितनी मज़ेदार से बीफ कढ़ाई कोफ्ते मैंने रेडी किया है। इससे पहले मैं आपको चिकन कढ़ाई कोफ्ते की भी रेसिपी बता चुकी हूँ, उसकी रेसिपी की अगर आपने देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ और ऊपर आई में भी मैंशन कर रही हूँ, आप लोग जाके देख लीजिएगा। थोड़ा सा हरी धनिया से इसको गार्निश करेंगे, अदरक से गार्निश करेंगे, लेमन से गार्निश करेंगे। ऑल डन। ये देखिए जी बहुत ही मज़ेदार से बीफ कढ़ाई कोफ्ते रेडी हैं बकरीद स्पेशल। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और बतूस किचन को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू रेसिपीज की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अगर आपकी कोई फरमाइश है बकरीद के हवाले से है कोई भी तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो चलिए जी मैं बीफ कढ़ाई कोफ्ते को एंजॉय करती हूँ, आप भी अपने घर में बना के एंजॉय कीजिए और मुझे फीडबैक जरूर जरूर दीजिएगा। तो चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट, लॉट्स ऑफ लव, रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।